वाणी स्वामी जी महाराज महिमा सदगुरु की और विधि सत्संग और भक्ति की। संत मता सबसे बड़ा ये निचे कर जान सूफी और वेदांती दोनों नीचे मान। संत मता सबसे बड़ा ये निचे कर जान सूफी और वेदांती दोनों नीचे मान। संत दिवाली नित करें सतलोक के माह और मते सब काल के यों ही तूड़े उड़ाए। उपदेश शब्द अभ्यास शब्द 27वां सार वचन बाणी स्वामी जी महाराज। कोमल चेत दया मन तारो परमारथ का खोज लगाना। कोमल चेत दामन तारो परमारथ का खोज लगाना। ये वाणी स्वामी जी महाराज जी है। आज बड़ा वड्डा त्यौहार है जिहदे विच लोकां ने बहुत खुशियां मनाउणियां ने पर कईआं दीआं गमियां भी, कईआं दीआं खुशियां और कईआं गमियां भी करनियां जिन्हां दे असीं आज त्यौहार ते बच्चे मार देने है, कोई मुर्गियां दे मार देने है, कोई बकरियां दे मार देने है, कोई होर चीज़ां दे, उन्हां नूं खुशी नहीं हो सकती। वो खुशी किस तरह करनगे? असी ते अपने खाण पीन दा मसला बना लिया, असी खुशी कर ली, दीवे जगा ले और कुछ कर लिया। संतां दी खुशी जिहड़ी है वह हमेशा ही रहिंदी, वह हमेशा ही दिवाली वो अपने देश जाके रोज जाके रोशनियां देखते हैं, रोज उत्थे आनंद लेंदे है, रोज वो सोहने सोहने नगमे सुनते हैं, वो रोज दी दिवाली करते। साढ़े बड़े दिन दिवाली दुनिया की आती है और इस विच भी असी अपनी खुशी करते हैं, दूसरे की खुशी नहीं। दूसरे की खुशी तो तद होवे जे हर एक नूं खुशी रहे। जदों असी दूसरे के बच्चे मुर्गियां दे बकरियां दे होर कईआं दे खत्म करते हाँ, खाते पीते हाँ, तो उन्हां नूं खुशी किस तरह आएगी? स्वामी जी महाराज बाणी विच फरमाउंदे है कोमल चित दया मन धारो।
परमार्थ का खोज लगाना। ऐ पुरुष, तेरा चित कोमल होना चाहिदा और दया होनी चाहिदी है। दया जिहड़ी है ये सिर्फ बंदियां ते ही नहीं, दया हर एक चीज ते होनी चाहिदी। दया दा मकसद ही है कि छोटे वड्डे ते दया होवे। जिहड़े साडे तो ठान है बेजबान ने, जिन्हां दा कोई आसरा नहीं, कोई को फरियाद नहीं, उन्हां ते भी दया होवे। पर वो दया संत महापुरख ही कर सकते हैं। कई बार दसिया कि एक बार श्री गुरु रविदास महाराज जी जंगल विच बैठे सन, ते एक शिकारी ने फाई लगाई सी। तीन दिन होया सी, तीसरे दिन एक हरनी उस फाई दे विच फस गई। हुण वो हरनी जिहड़ी है वो शिकारी अगे बेनतियां करदी है, वो शिकारी है तू मैनू छड़ दे, मेरे मासूम बच्चे है जिहड़े कुछ खांदे नहीं, कुछ भी नहीं खांदे पींदे, सिर्फ उन्हां नूं दुध दा आसरा है। तू मैनू छड़ दे, मैं उन्हां नूं दुध पिला के फिर आ जावांगी। पर दो तीन महकमे ऐसे है जिन्हां नूं कोई किसी का तरस नहीं हुंदा। शिकारी मन्ने ना कि मेरा बाल बच्चा भुखा है, तीन दिन होया, मैं तैनूं उन्हां नूं मार के खवाना है। हुण हरनी दे वास्ते पाउंदी सी, लेकिन शिकारी मनदा नहीं सी। गुरु साहब जी उन्हां नूं दया आ गई, तरस आ गया, शिकारी दे पास चला गए। ते शिकारी नूं कहा कि भाई इस हरनी नूं छड़ दे, ये जो वायदा कर रही है ये जरूर तेरे पास आएगी। पर शिकारी कित्थे छड़े, इन्हां नूं कोई तरस नहीं आउंदा। आखिर गुरु साहब ने कहा कि इहदी फाई मेरे गल च पा लै, जे ना आएगी तो इहदे मुल दा मैं तेरा काम करांगा, फिर तू मैनूं छड़ दे। हरनी नूं छड़ दिता। गुरु साहब जी उत्थे बैठ गए। हरनी ने अपने बच्चियां नूं दुध पिला रही सी, ते नाल इह कहा बच्चियो ये आखरी दुध है, फिर मैं तुहाडे पास नहीं आना। बच्चियां ने दुध छड़ दिता। कहन लगे माता तू साडे पास क्यों नहीं आना, की गल है? उसने बथेरा अगा पिछा किया गल्लां, पर नहीं, बच्चे जड़े खेड़े पै गए। तू सानू दस। हरनी नूं दसना पिया। कहन लगी बच्चो मैं एक शिकारी दी फाई विच आ गई सी और शिकारी मैनूं छड़दा नहीं सी। एक महात्मा ने मेरी जबानत दिती है ते उस महात्मा नूं जा के मैं छड़ाउणा। बच्चे कहन लगे माता जिथे तू मर जावेंगी असी भी मर जावांगे। जिस महात्मा ने साडे वास्ते जबानत दिती है सानू भी उन्हां दे दर्शन करा ते सानू भी लै चल। हरनी समैत बच्चियां दे शिकारी दे पास आ गई। गुरु साहब ने कहा कि भाई तू अगे एक नूं रोंदे, हुण सारे आ गए, जो तू करना कर लै। पर करना की सी, अंदरों अंदर ऐसी कला फिरी उस शिकारी दे मन विच
ये बचार आ गई कि ये बच्चे मार के मैं अपने बच्चों खावगा, ये भी आखिर कि बच्चे है, मैनू पाप लगेगा। पाप पुन का पता उस लगता जो बंदा विचार रूप में आंदा, जब तक किसी विचार रूप में नहीं आता उस वक्त इसनों पाप पुन का कोई पता नहीं। जदों असी सोचते ही नहीं, विचारते ही नहीं, तो सानू पाप पुन का की पता लग। शिकारी ने सोच के क्या कि मैं हूँ इन्हों मारना नहीं, तो मन ऐसा निर्मल होया, ऐसा साफ होया, तो पता लग गया कि महापुरख ने गुरु साहब के चरणों में डिग पिया। तो कहिंदा सच्चे पातशाह मैनू नहीं सी पता कि तुसी कौन हो, मेरी भुल नू बख्शो, मैं आज तू लैके कभी भी शिकार नहीं खेलांगा ते ना जीव हिंसा करांगा। गुरु साहब ने हरनी का भी हदार किया और शिकारी का भी हदार किया। ये दया जिहड़ी है ये संत महापुरख ही कर सकते हैं। वो सारी दुनिया ते बड़े छोटे ते दया करते, अपना उपदेश जड़ा है सच का उपदेश देंदे है, सारिया नू कहिंदे है भाई चोरियां ठगियां छड्डो, ईश्वर की भगती करो। ईश्वर की भगती ही अपनी एक जायदाद है, उही एक सुख देने वाली वस्तु है। वो साढ़े पासों साढ़े गुना छड़ा के सानू मालक दे पासे लगाउंदे है, वो साढ़े ते बड़ा दान करते हैं, बड़ी रहमत करते हैं। तुसी किसी सफा सोसाइटी चले जाओ, स्वार्थ वास्ते सारे प्रेमी होंगे, परमार्थ वास्ते कोई नहीं। किसी का स्वार्थ करते रहो वो प्रेमी बनया रहिंदा है, जदों स्वार्थ पूरा नहीं हुंदा वो दुश्मन बन जाता है। लेकिन संत जेड़े है वो स्वार्थ वास्ते नहीं करते, वो परमार्थ वास्ते करते। वो हर जीव नू परमार्थ विच लगांदे है, हर जीव नू यही प्रेरणा देंदे है कि भाई ईश्वर की भगती करो, अपने अंदर दया पैदा करो। सब तो पहला तो असी अपने आप ते ही दया करनी है। आत्मघाती महापापी, जदों असी अपनी आत्मा का ही घात करते हैं साढ़े को होर पापी कौन होना चाहिए। असी बहुत पापी हाँ कि जेड़े असी अपनी आत्मा नू नहीं बचाते, अपनी आत्मा का ही घात करते हैं। जदों असी अपनी आत्मा वाल सोचांगे, विचार साढ़े दिल च आएगी, असी गलत काम छड़ देंगे, अच्छे काम करना शुरू करांगे, संतां महापुरखां दे कहने मुताबक चलांगे, जो सानू सलाह मशवरा देंगे उहदे ते चलण दी असी कोशिश करांगे। तो साड़ी आत्मा भी बच जाएगी, अपने मालक दे देश चला जाएगी। ये साड़ी आत्मा परमात्मा दी अंश, साड़ी आत्मा दा पति परमात्मा है। जदों साड़ी आत्मा उस मालक दे रस्ते तुरेगी, एक दिन अपने देश पहुँच जाएगी, 84 दा चक्कर खत्म हो जाएगा। 84 दे विच जो कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे बनना है वो जूना समाप्त हो जाएंगे। 84 दा लेखा बहुत बड़ा है, ये मुक्कन जोगा नहीं। एक बार इस रस्ते कोई पै जाएगा ये वापस नहीं आ सकता, इसनों अगे अगे ही जाना पएगा और जूना भी जाना पएगा। इस वास्ते संत महापुरख जो कुछ भी बाणी च फरमाउंदे है वो ठीक फरमाउंदे है कि भाई
कोमल चित दया मन धारो, कोमल चित दया मन धारो, परमार्थ का खोज लगाना। असी परमार्थ दे खोजी बनना है तो सब तू पहला अपने दिल नू कोमल और साढ़े अंदर दया होनी चाहिए, तद असी परमार्थ विच चल सकते हैं। परमार्थ का भी तद ही सानू पता लगेगा कि परमार्थ की है, इस तरह सानू कुछ पता नहीं है। हाँ जी, कोमल चित मन धारो, परमार्थ का खोज लगाना। इंद्री तन विषय को त्यागो, सुरत शब्द में गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, असी 24 घंटे इंद्रियां दे काट ते रहिंदे हाँ। ये 9 इंद्रियां साड़ियाँ कदी अखां दे नशियां विच, कदी कन्नां दे नशियां विच, कदी जीभ दे खाण दे नशियां विच, कदी नीचे इंद्रिया के नशियां विच। गुरु साहब जी फरमाउंदे आ कि इन्हां वल जरा तुसी अपना ध्यान उठो और परमार्थ वल लावा। ये 9 इंद्रियां जड़ियां गुरु साहब जी बाणी च फरमाउंदे आ, 9 दरवाजे नवें दर फिके, रस अमृत दसवें चोई जाए। ये 9 दरवाजे नवें इंद्रियां, इन्हें रस जेड़े है ये फिके है। जिंदगी भर सानू इन्हां अखां नाल देखदिया होया ये अखां रज्जियां नहीं, पूरी पूरी जिंदगी असी कन्नां दे नाल राग रंग सुनदिया होया ये कन्नां नूं शांति नहीं आई। ये जीभ दे नाल खाने खांदिया जिंदगी हो गई, इस नूं कोई शांति नहीं आई। मकसद की कि 9 इंद्रियां इन्हां च कोई शांति नहीं। सानू जद भी शांति आएगी नाम विच आएगी, नाम विच प्यार है, नाम विच मुहब्बत है, नाम दी तसीर कुछ हर एक खाने दी अलग अलग तसीर है। कोई भी तुसी काम करो उहदी अलग अलग तसीर है, अलग अलग खाने की तसीर है, और नाम खाना जेड़ा इहदी तसीर अलग है। इहदे विच सुख ही सुख है, ये सिर्फ आपे नहीं, एक नूं नहीं सुख, जेड़ा नाम जपदा हजारां ते करोड़ां नूं सुख पहुँच सकता है। एक ट्यूबवैल जेड़ा कोई नलका ट्यूबवैल लगाउंदा है वो सिर्फ घर वाला ही नहीं पानी पींदा ते हजारां बंदियां नूं उस दा फायदा होंदा है। इस तरह जिन्हां महापुरखां ने दिन रात नाम की कमाई की वो सिर्फ अपने वास्ते ही नहीं हजारां करोड़ां जीवां का फायदा कर जांदे है। वो ऐसी उस नाम के विच तसीर है, इतना उसका फायदा हो जाता है। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है कि भाई इन्हां इंद्रियां के काट तो तुसीं जरा किनारा कश करो, इन्हां दे विच फस के कोई भी जीव बच नहीं सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि, हौलिए पकंबर, बड़े बड़े तपस्सी जद इस मार्ग विच आ गए अपनी जिंदगी नूं तपा कर गए, अपने आप नूं तपा कर गए और जिंदगी दे रोग लग गई, सारी उम्र रोना पिया और वो वक्त हाथ नहीं आया। हाँ जी, इंद्री तन विषय को त्यागो, सुरत शब्द में नित लगाना। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि अपनी सुरती नू शब्द ना लगा दियो। देखो संत सारे पासियों मोड़ के सानू
ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਫਰੇਬਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੇਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰ ਸੇ ਪਾਓ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬੜਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕੀ ਪਦਾਰਥ? ਨਾਮ ਚਰਨ ਕਮਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਰ, ਔਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇਲ ਦੀ ਤਾਰ। ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਟਾ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਬ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਸੁੱਖ ਆਏ, ਗਰੀਬੀ ਆਏ, ਅਮੀਰੀ ਆਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰ ਸੇ ਪਾਓ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬੜਾਨਾ। ਤਾਰਾ ਗਮ ਪਕੜ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸੰਗ ਮੇ ਸਦਾ ਸਮਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸਤਸੰਗ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤਾਰਾ ਆਗਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੀ ਸੁਰਤ ਨਵ ਦੁਆਰਾ ਝਾਕਾ, ਅੰਡਾ ਦੀਨ ਲੋਕ ਦਰਸਾਨਾ। ਜਦ ਸੁਰਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਿਆ, ਉੱਪਰ ਗਈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਰਾਗ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਤ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਦੀ ਧਿਆਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਉੱਪਰਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬੜੀ ਰੌਣਕ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰੇ ਜਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਸਮਾਨੇ, ਸੁਣ
सरोवर कवल ज्यो ज्यो सुरत अगे जाती है सो उसनों बहुत ही अच्छे अच्छे स्थान अच्छे देश नज़र आते है बड़ी खुशी नज़र आती है वो ज्यों ज्यों अगे मजल करती है उन्होंने वो तो उसनों खुशियां मिलती हैं। हाँ जी अब तो काल कला सब मान सरोवर बैठना जिस वक्त सुरत अपने मान सरोवर विच शनान कर दी है तो काल दी कला सारी हार जाती काल दा लेखा सारा खत्म हो जाता है सारे कर्म जेड़े है वो नाश हो जाते है सुरत बिल्कुल नरोल हो जाती है साफ हो जाती है और सारे कर्म इस दे खत्म हो जाते हैं। हाँ जी अचल रूप रखती चाली छोड़े दिया अब देश फिर सुरत अपने जिथे हमेशा रहती सी इस देश नो एक बगाना देश समझे अपना देश नज़र आ गया अपने कारोबार नज़र आ गया अपनिया वस्तु नज़र आ गई जेड़िया के पुलिया हुई सी जिथों असी पुले सी जिथों असी हमेशा रेंदे सा वो देश असी भुल के इस मृत लोक विच इस काल दे देश विच रहिंदे जद सुरत उपर गई उन्हों अपना देश जड़ा मालूम हो गया कि मेरा देश है फिर इस देश नू बगाना देश किया संतां ने इत्थे आके दवाइया देंदे संत कि भाई ये तो मुसाफर खाना है जिन्हां ने अपना देश देखिया अपने उत्थे रौनक देखी अपना सुख देखिया इत्थे आके उन्होंने बाणिया विच दसिया मुखचबाणी दसिया कि भाई ये एक मुसाफर खाना है मुसाफर खाने विच कितनी कि पकाई बंदा कर सकता है टेशन दसिया ये गड्डी दा टेशन है कोई आ रहा कोई जा रहा है इत्थे रौनक बनी रहनी है ये साड़ा देश नहीं साड़ा देश नहीं साड़ा देश होर है स्वामी जी महाराज जिस तरह बाणी जी फरमाया है जे तो घर है काल का घर अपना मत जान निश्चय करके मानियो जो अब कहू बखाण स्वामी जी महाराज फरमाउंदे है कि अपना घर नहीं ये काल दा घर है वो दा देश है ये साड़ा देश नहीं साड़ा देश होर है जिहड़ा संतां महापुरखां ने देखिया और इस देश नू फिर उन्होंने बगाना किया इस नू बगाना किया कि बगाने देश विच असी रहिंदे सी बगाने देश विच बंदा की कामयाबी कर सकता है जां कितना कु सुख लै सकता है बगाने देश विचों। हाँ जी सूरत साफ उड़ी ऊंचे को छूट गया सब महल पुराना गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं कि सूरत फिर साफ होके ते उड़ के अपने देश चला गई ये सारा पुराना देश जेड़ा जिस तरह असी कोई नहा धो के नवे कपड़े लाते हाँ तो साढ़े शरीर में इस तरह होंदा है कि असी पुराने कपड़े जा पुरानी मैल साड़ी लत्त की असी हल्का शरीर हो जाता तब दिल विच खुशी आ जाती है इस तरह अपने देश सुरत जदों उड़ के चला गई ये अपने पुराना देश पुरानिया आदतां पुराने साढ़े काम ये सारे विसर गए और असी अपने देश चला गए। हाँ जी आगे चढ़ चढ़ समाने शब्द शब्द का मरम पहचाना ज्यों ज्यों सुरत अगे जाती है ज्यों ज्यों अगे जाती है
उस नूं होर ही नज़ारे आना शुरू हो जाते। मुल्क मुल्क दे देश दे हर जगह दे होर ही नक्शे आना शुरू हो जाते हैं। ज्यों ज्यों शब्द की कमाई कर दी जाती है, जिस तरह साईं बुल्ले शाह ने बाणी जी फरमाया, साईं बुल्ले शाह ने फरमाया कि उस मालक का नक्शा जड़ा है नया, हर तरह साईं बुल्ले शाह ने कहा कि नवी नवी बहार, उस मालक दियां बहारां नवी नवी ज्यों ज्यों अगे सुर जाती है और उसनू नई नई चीज़ा ते नए नए नशे आना शुरू हो जाते, नज़ारे आना शुरू हो जाते। हाँ जी, संत बिना कोई समझ ना आगे जो जो भेद दिखा। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि बगैर संतां दे कह भी देइए किसी नूं की पता है। जब तक ये प्यार मुहब्बत ये अंदर नहीं आता और ये मेहनत नहीं करता, इनू कोई समझ नहीं आती। इसकी समझ भी जिन्होंने दिन रात नाम की कमाई की उन्होंने पूरी समझ, जिन्होंने नहीं की उन्होंने पूरी समझ नहीं आ सकती। असी तो उन्होंने वास्ते जो जो भी संत महापुरख दसते हैं साढ़े वास्ते तो वो है ही नहीं, अभी समझते है ही कुछ नहीं। पर जिन्हें देखा है वो दवाइयाँ दे रहे कि है सब कुछ, आओ तुसी भी काम करो। जो सानू साधन दसते हैं, जो तरीका दसते हैं कि आओ तरीके से चलो, तुसी भी आओ देख लो आके, वो सब कुछ है। काया अंदर नवखंड पृथ्वी हट पटन बजारा, कि ऐसे काया के अंदर नवखंड पृथ्वी, बड़े बड़े बाजार, बड़े बड़े हट, बड़े बड़े शहर इस काया के अंदर। सारिया संतां महापुरखा ने जेडे भी शब्द व्यासी महापुरख आए उन्हें सारिया दवाइया दित्तियां, सारिया अंदर दस्या है। उन्हें किसी सानू जंगलों पहाड़ा और जगह पर नहीं भड़काया। सारिया संतां ने कहा भाई अंदर ध्यान दे, तैनू जो कुछ भी मिलेगा अंदरों मिलेगा, बाहरों नहीं मिलना। जिसने पाया उन्हें अंदरों पाया, जो अगे भी पाएगा वो अंदरों पाएगा। हाँ जी, कहने में आवे नहीं पूरा, उल्टा सुल्टा करता खाना। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं साढ़े कहने विच भी पूरा नहीं, वो नक्शा पूरा नहीं आ सकता, असी पूरा उहदा तजर्बा नहीं कर सकते, पूरा दस नहीं सकते। अगर जे दसते भी हाँ तो उल्टा फुल्टा कुछ ना कुछ कमी रह जाती, क्योंकि जदों असी देखिया ही नहीं तो असी दसना भी की है। जिन्हां महापुरखां ने देखिया वो पूरी जानकारी करा देंदे है, पूरा दस देंदे है। जिन्हां असी देखिया नहीं असी दसांगे भी तो की, जे दसांगे भी तो थोड़ा बहुता उल्टा फुल्टा करके दस देंगे। हाँ जी, वाचक अपनी जोग लगा अमल बिना नहीं बूझे बोझाना। गुरु साहब जी जेडे वाचक ने वेदांती जेडे वो जो कुछ भी अपनी अकल दे नाल लिखते है, अपनी अकल नाल दसते है, अंबल नहीं, अंबल दे बिना कुछ बनता नहीं। जब तक सानू अंबल नहीं तो साड़ा कुछ नहीं बन सकता। असी अकल नाल दसांगे लिखांगे उहदे नाल कोई फायदा नहीं, उहदे विच अंबल भी चाहिए। जे अंबल नहीं तो कुछ भी नहीं, गल्लां दा मजबूत नहीं। वो मालिक जेड़ा है साडे अमलों ते खुश, साडे अमलों नूं जानदा है कि की कुछ ये करदे है ते की कर रहे है, की करना चाहिए इन्हां नूं। जे साडे अमल अच्छे नहीं तो परमात्मा सब कुछ जानदा है,
ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਗੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਐਰਨ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਸੂਈ ਦਾ ਦਾਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਕਿ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਪਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਰਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਸੂਈ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਐਰਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ 2.5-3 ਮਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਸੂਈ ਦਾ ਦਾਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਮਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਚੰਗੇਰੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਰੀਸਾਂ ਕਰਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵਣ ਦਰ ਖੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਆਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਵਤ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੀਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਔਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਮਲਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਤ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਹੋਣੇ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਨਿਬੇੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਗਤ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਤ ਸੰਤ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੰਤ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਲਾਖ ਗਾਸ਼ ਲਾਖ ਪਤਾਲ ਫਿਰ ਪਰੇ ਥੀ ਪਰੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਲਬ ਉਸ ਤਲਾਅ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤਾਲਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਫਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖ ਗਾਸ਼ ਲੱਖ ਪਤਾਲ ਫਿਰ ਪਰੇ ਥੀ ਪਰੇ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤ ਗਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਤ ਪਤਾ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਗਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਤ ਪਤਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਖਾਂ ਗਾਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਤਾਲ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿਰ ਪਰੇ ਥੀ ਪਰੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖ ਗਾਸ਼ ਔਰ ਲੱਖ ਪਤਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰੇ ਥੀ ਪਰੇ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੀ ਚੌਂਪੜੀ ਚਲਾ ਗਏ, ਬਹਿ ਗਏ,
आपस अंदर ज्ञान गोष्ठ होन लगा। उस तालब ने अपने मुरशद नूं कहा कि महाराज मेरा भी सहसा निवृत्त करो, मैनू भी कुछ दसो। तो मुरशद ने कहा कि भाई जिसनों सत्तां दा 14 तबकां दा पता है, सत गाज ते सत पताल, वो यही 14 तबक कह सकता है। तो जिसनों लखां दा पता है वो लख दस सकता है। तो फिर भी हद रखी है परे परे तो परे है कि मैनू 14 दा ही पता है तो मैं 14 दस सकदा। वो त्रिलोकी दा व्यासी सी, 14 तबक त्रिलोकी तक मुक जांदे। मैं यही दस सकदा ते जिन्हां नूं लखां दा पता है वो लख दस सकदे। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे है ठीक फरमा रहे है कि संतां दी ताकत नूं संत ही जानदे है, और कोई समझ नहीं सकदा। हाँ जी, अपनी जुगत चतुरता त्यागो संत बचन को कर परमाना। गुरु साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं, आई अपनी जुगती नो अपनी अकल नो तुसी छड़ दो। जब तक असी अपनी अकल नू छड़दे नहीं, इन्हें चिर सानू कोई समझ नहीं आउंदी। दूसरे की अकल किस तरह लवांगे? एक म्यान च दो तलवारा नहीं रह सकदी। जां असी अपनी अकल रख लईए जां मुरशद की अकल रख लईए, पर साडी अकल जिहड़ी है कुछ नहीं, इसका सानू कोई फायदा नहीं हो सकता। हमेशा वास्ते अगर किसी नू फायदा होया तो मुरशद की अकल च। पिछले इतिहास तुसी पढ़ के देख लो, जिन्हां जिन्हां मुरशद की अकल नूं मन्निया उन्हां ते विश्वास कीता वो इत्थे दुनिया तो खट के चला गए। उन्हां दा काम बन गया, उन्हां दा 84 दा चक्कर कटिया गया, वो अपने देश चला गया, अपने मालक नाल मिल गए, वो मुक्ति हो गई उन्हां दी। और जिन्हां ने अपनी अकल कीती वो रह गए, और रह गए बारों बार जूना विच आउंदे रहे। कई बार दस्या कि गुरु नानक देव जी महाराज ने एक बार कहा, सारी संगत कट्ठी हुई सी, सारिआं नूं कहा कि यह मुरदा खाओ। एक मुरदा पिया सी, मुरदा खाओ, तो सारे भज गए। एक गुरु अंगद देव जी जिन्हां दा नाम पिछे रखिया गया, पहला भाई लैणा उन्हों का नाम सी, वो मुरदे दे पास चला गए। वो खाण वास्ते तैयार होए ते जदों पला पुटिया ते 36 पदार्थ निकले, बाकी सारे ही भज गए। जिहड़े सतगुरु का हुक्म जां उन्हां दा बचन छड़ के चला गए, उन्होंने कोई ना कोई दिल विच भाव लिया होएगा। जदों भाव लिया तो निंदिया हो गई, जदों निंदिया हो गई तो पाप लग गया, रह गया। एक ने मनिया अपनी अकल छड़ी, तो मुरशद का हुक्म मनिया कि मुरशद मुरदा खिलाए जो मर्जी खुआए, साडा की काम है। माता पिता छोटे बच्चे नूं जिहड़ी मर्जी चीज़ देण उह खा लैंदा, उहनूं की है कि की दिता ते की, जिहनूं समझ ही नहीं। उन्होंने उस मुरदे का जद वो पला पुटिया तो 36 पदार्थ निकले थल्यो, बाकी रह गए। जिन्हें जिन्हें बचन मनिया वो पास हो गए। चाहे कोई गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, जिन्हें बचन नहीं मनिया वो रह गए। पिछले इतिहास जिहड़े आ सबूत देंदे। हाँ जी, वेकते देखी नज अपने तू सुन सुन क्यों बोझ लड़ा। गुरु
साहब जी बड़े प्यार नाल फरमा रहे हैं कि संत महापुरख जो देखते है सो कहते हैं, वो जो कुछ कहणगे वो देखिया होया कहते हैं। असी जो कुछ भी कहने असी अपनी बुद्ध के अनुसार अपनी बुद्धि चतराई अकल दे नाल जो कहने हैं, और महापुरख जो कहते हैं उन्हें जो देखिया सो कहा। उन्हें बार बाणिया च लिख दिता मुख जबानी किया क्योंकि देख के कहते। हाँ जी, वेखते देखी न जा अपने सुने सुने क्यों बोसलारा। इत्थे हजूर दे वक्त एक बीबी हुंदी सी, बड़ा प्यार सी उसका, ते उसने जो रात नूं देखना सवेरे आके सतगुरु नूं सुनाउणा, ते उसने कहना कि महाराज लोकी मैनूं मखौल करनगे की कह रही है। महाराज कहना लोकी कहंदे आ कह देण तू कहो जो तू देखिया दस। हुण असीं इत्थे इह वी विचार करनी है कि असीं भी देखदे हां, सानूं भी कोई सुपना आउंदा है, पर सवेरे असी कुछ भी नहीं दस सकते, सवेरे सानू याद ही नहीं आउंदा। जिहड़ा रात दा देखिया सवेरे दसदा है, तुसी देखो कि उहदे ते मालक दी कितनी रहमत होएगी। असी भी राती देखदे हां कोई सुपना आउंदा है, ते सवेरे उसनू पुछो बंदे नू की आया, ते कख भी नहीं, वह कुछ भी नहीं दस सकदा की आया हैगा। जिहड़ा रात दा देखिया सवेरे दसदा है, उहदे ते मालक दी कितनी रहमत होएगी, और कितनी साफ सुरत होएगी, पवित्र होएगी, जिहड़ी सवेरे रात दा देखियो आ सवेरे दसेगी। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे कि संत महापुरख अपनी देखी हुई जिहड़ी गल उह दसदे है, जो ना देखिया सो दसदे। असी देखिया कुछ नहीं, अपनी असी बुद्ध नूं दड़ाउंदे हाँ, बुद्धि अनुसार असी करते हाँ, जो करते हाँ, जो दसते हाँ, देखिया कुछ भी नहीं। हाँ जी, वेखते देखी न जा अपने तू सुने सुन क्यों बोझलड़ा। राधा स्वामी सब स्वामी जी महाराज शब्द समाप्त करते हुए बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि संतां दा भेद जिहड़ा इह कोई भेती ही जाण सकदा है। संतां दे भेद नूं संत ही जाण सकदे है, ये होर कोई नहीं जाण सकदा। ये बड़ा उल्टा पेच हैगा, इस नूं जानना बहुत औखा है। ये जिहड़े उहनां दी संगत करनगे, जिहड़े उहनां ते विश्वास रखणगे, उही जाण सकदे, होर नहीं कोई जाण सकदा। असी बाकी जिहड़े उल्ट फुल्ट दस सकदे हां, अगा पिछा दस सकदे हां, असी पूरा उहनां दा भेद बयान भी नहीं कर सकते, दस भी नहीं सकते, क्योंकि असी देखिया कुछ नहीं, असी उस मार्ग ते चले ही नहीं, असी कुछ देखिया नहीं, असी दसना की है। हाँ जी, राधा स्वामी सब से कहते संत भेद कोई भेदी जाना। आज दियार जेड़ा है ये बहुत दुनिया दे विच बड़ा उच्चा और सारी दुनिया मना रही है, पर पहली तुक दे विच ही स्वामी जी महाराज फरमाया है कि संत दिवाली नित करे सत लोक के माही। साड़ी दिवाली बड़े दिन आउंदी है, बड़े दिन असी दीवे जगाउंदे हाँ, मोमबत्तियां जगाउंदे हाँ, और लाइटां लगाउंदे हाँ, रौनकां करदे हाँ,
और संतां दी दयाली जड़ी है वो दिन रात ही होंदी रहिंदी है। वो अपने देश वो रौनकां देखते ने और रोशनियां देखते ने, उन्हां दा हर वक्त ही उन्हां दी दयाली है। जो स्वामी जी महाराज पहले तो कुछ फरमाया ये संतां दी दिवाली और साड़ी दिवाली विच बड़ा फर्क है, असी साल बाद कदे देखनी है, बाहरलियां लाइटां जगाउणियां ने ते संत महापुरख जिहड़े ने वो अंदरलियां लाइटां देखते हैं कि जिहड़ियां 24 घंटे लाइटां जग रही ने, 24 घंटे रंग राग हो रहे ने, वो अंदर दे रंग राग सुनते हैं तो ही 24 घंटे उन्हां च मस्ती ते खुमारी चढ़ी रहिंदी है उस वस्तु की। हाँ जी राधा स्वामी सब से कहते संत भेद कोई भेदी जाने। परम सत्कार्यो गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला श्री गुरु रविदास जी दे जन्म दिहाड़े दी सब नू लख लख वधाई होवेगी। इस मुबारक मौके ते श्रीमती नरेंद्र बीबा जी की आवाज विच सरवण करो श्री गुरु रविदास जी का उच्चारण किया होया गुरबाणी का ये शब्द।
बीबा जी पासों हरनी दा प्रसंग सुनो। माता पिता दे प्यार ते संसारिक मोह नूं छड्ड गुरु रविदास जी जंगल विच भगती कर रहे हैं। जंगला दे विच पिया नाम जपदा माता कलसी दी अखियां दा तारा तन नालो वध चाननी तन पिता संतोख दा दुलारा तन नालो वध चाननी तन पिता संतोख दा दुलारा तन नालो वध चाननी पूरी जोत है तेरे दे उत्ते जाग दी सारे जाग तो प्यारी बड़ी लग दी गमा दा हनेरा सारा दूर हो गया गमा दा हनेरा सारा दूर हो गया तो फुटा विच पिया चमकारा तन नालो वध चाननी तन पिता संतोख दा दुलारा तन नालो वध चाननी भजन विच तुलिया माता पिता दा प्यार मना फुलिया इको हरी दे भजन विच तुलिया पापियां